All clear, visible, audible, everything. ठीक है जी, हम इसको शुरू करते हैं. ऑरिएंटेशन है हमारी. मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूंगा अभी. एट द एंड ऑफ सेशन आप जो जो जितने भी सवाल हुए लेट मी नो, मैं तमाम को आंसर कर दूंगा. नाउ प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल, हम इनको एंड पे आंसर करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फरुख अमजद एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस कैफ टू पोस्ट बैच वंस अगेन. इसको हम लेके चलते हैं आगे. सबसे पहले CMADZ का प्लेटफॉर्म. व्हाई CMADZ, हम इसकी बात करते हैं बिकॉज CMADZ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑन द ऑनलाइन वर्ल्ड, जो अपने पहले दिन पे जो कमिटमेंट करता है उनको ट्राई करता है कि लास्ट डे तक उसी कमिटमेंट में कायम रहे और उन्हीं को लेकर साथ चल रहा होता है. कुछ ये फीचर्स की बात कर लेंगे CMADZ आपको क्या कुछ ऑफर करेगा. तो CMADZ इज द ओनली और वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो आपको 100% डेडिकेटेडली क्या करेगा, पोस्ट बैचेस ऑफर कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो आपके बैचेस जो क्लासेस शुरू होने लगी हैं ये 100% पोस्ट बैचेस के होंगी और इसमें कोई रोल ओवर बैचेस, कोई क्लासेस की मर्जेंस वगैरह इस तरह कोई सीन या सिनेरियो नहीं होगा. वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस कि हम आपको कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं पिछली और कुछ हम आपको लाइव लेके चले और हम आपको ये कहें यार इसको कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कवर करें और लाइव लें. हम इस तरह कोई काम नहीं करने वाले. दिस आर गोइंग टू बी 100% लाइव डेडिकेटेडली पोस्ट बैचेज हैं जो डेडिकेटेड टाइम पर स्टार्ट होंगे, डेडिकेटेड स्केड्यूल्स होंगे और उसके मुताबिक चल रहे होंगे. इसके अलावा क्लासेस जो होंगी हमारी 100% लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी. नाउ इस वक्त जिस मीडियम पे हम बोल रहे हैं, जिस मीडियम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मीडियम है गोटू वेबिनार का. इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोल सकता हूँ, आप लोग नहीं बोल सकते. बट जो हमारी डेली क्लासेस हैं डेट विल बी ऑन जूम और ऑन गोटू वेबिनार, जहाँ पे आपके पास माइक को ऑप्शन करके सवाल पूछने का भी जो है ऑप्शन होगा. तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे डील कर रहे होंगे. तो जो फिजिकल क्लासेस होते हैं ना बच्चों का कि हम टीचर से फेस टू फेस सवाल पूछ सकते हैं, वो वाली फील हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे थ्रू आवर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम गोटू मीटिंग या जूम इस्तेमाल कर रहे होंगे. और वहां पे भी आप अगर सवाल वगैरह पूछने हो, कोई इंटरेक्शन वगैरह करनी हो, अब माइक ऑन करके आप जब चाहें सवाल पूछ सकते हैं. उसके अलावा जो हम इन क्लासेस के साथ जो आपको एक एडिशनल चीज ऑफर करेंगे वो होगा 100% फ्री क्रैश कोर्स, 100% फ्री क्रैश रिवीजन, जो आपको एट द एंड ऑफ सेशन इन द मिड्स ऑफ फरवरी प्रोवाइड की जाएगी. और डेट वुड बी 7 to 10 days 100% फ्री रिवीजन फॉर ऑल CMADZ स्टूडेंट्स, जिसमें से लाइव आपको रोज 3 घंटे क्लास करवाई जाएगी. उसको तमाम एक्टिविटीज वगैरह होंगी जो हम आपको प्लान करके यहाँ पे भेज रहे होंगे. डेट वुड बी 100% फ्री फॉर ऑल KM स्टूडेंट्स. उसके बाद हमारा टाइम टेबल जो होगा वो डेडिकेटेड होगा, मतलब हमारी क्लास 4:30 से लेकर 6 बजे तक है. तो डेडिकेटेडली थ्रू आउट द सेशन हम इसी टाइम टेबल क्या करेंगे, क्लास करेंगे. कोई क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा. ये नहीं कि एक दिन हमने इस दिन कर ली, अगले दिन हम सुबह कर रहे हैं, फिर मैं तरले कर रहा हूँ आप लोगों से कि यार हम सेशन करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह काम नहीं होगा. एंड रिमेम्बर हमारे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जो क्लासेस होंगी पोस्ट बैच की वो 6 days इन अ वीक होंगी. हम हफ्ते में 6 दिन पढ़ा करेंगे और इसी डेडिकेटेड टाइम के ऊपर हमारी क्लासेस जो होंगी वो कंटिन्यू हो रही होंगी. इसके अलावा हम आपको 2-way कम्युनिकेशन जो होगी क्लास में वो अलाउ करेंगे, जो मैंने बात की है अभी. तो आप लोग मुझे सवाल आप लोग टाइप कर रहे होते हैं, बट इन रेगुलर क्लासेस यू विल ओपन योर माइक एंड यू विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी. उसके अलावा 24/7 हमारे व्हाट्सएप क्लासरूम्स हैं जिस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें आप लोग ऐड भी हैं और आप वहां पे भी सवाल वगैरह पूछ सकते हैं. इसके अलावा अभी मैं थोड़ी सी आगे जाके आपको इसका टेस्ट सेशन का शेड्यूल भी शो करूंगा जो डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए होगा. तो हम आपको CA नोट्स के 12 टेस्ट भी ऑफर करेंगे, 12 वीक्स में जो शामिल होंगे, जिसमें 10 रेगुलर टेस्ट होंगे, 1 मिड होगा और 1 जो होगा वो आपसे फाइनल मॉक होगा. और ये भी जो हम आपके CA नोट्स के टेस्ट ले रहे हैं दैट आर गोइंग 100% फ्री. अगर आप टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, आप CA टेक्स्ट में
या इस टेस्ट सेशन के भी कोई चार्जेस वगैरह आपसे नहीं ले रहे होंगे। उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमारी अवेलेबल होंगी, और रिकॉर्डिंग और जो हमारा रिकॉर्डिंग का सिस्टम है रिले कहते हैं, वो हमारा लाइट सिस्टम है। अगर आपकी थोड़ी हो तो आपकी वीडियोस वगैरह इजीली रिले वो आपको एग्जाम डे तक अवेलेबल हो गी। मेरी आवाज में इशू आ रहा है कोई? अब मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। और ये जो नहीं है फिर आपको ये सीएमएडीसी आपको ऑफर कर रहा है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल और फीचर इनरिच चीजें हैं जो हम आपको बहुत थोड़ी सी फीस में ऑफर कर रहे हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जो सीएमएडीसी ऑफर कर रहा होता है स्टूडेंट्स को। अब नाउ इट्स अप टू स्टूडेंट के वो इन फीचर्स को, इन ऑफर को किस तरह अवेल करता है। लाइक इतना कुछ अगर आप एक एज अ न्यूट्रल स्टूडेंट होकर सोचें, इतना कुछ आपको कोई फिजिकल कॉलेज भी ऑफर नहीं कर सकता इतनी इकोनॉमिकल फील्ड में। लाइक वो आपको डेली क्लासेस भी करवाए, आपको क्रैश कोर्स भी करवाए, उसके अलावा आपके पास उन क्लासेस के आपस में रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो, आपके पास 12 टेस्ट की सपोर्ट हो, 24/7 टीचर की सपोर्ट हो। इतने ही फीचर्स हैं वो मेरे ख्याल से इस वक्त कोई कॉलेज आपको ऑफर इस इकोनॉमिकल फी में नहीं कर रहा होगा। बिकॉज सीएमएडीसी क्यों ऑफर कर रहे हैं? बिकॉज आतिफ आबजी साहब का वेंचर है, आतिफ आबजी साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जो उनका ख्वाब था कि एजुकेशन को एट अ डोर स्टेप पहुंचाना और इतना इकोनॉमिकल रखना कि हर बच्चे की अफोर्डेबिलिटी उसमें हो, हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके, उसी विजन को लेके हम सारे चल रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ये फिर आपका इश्यू है, मेरी आवाज आ रही है? तो ये कुछ फीचर्स थे सीएमएड इजी के मुताबिक कि सीएमएड इजी क्या है और क्या नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इससे बोर नहीं हुए होंगे। आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कैफ टू जो टेक्स्ट प्रैक्टिसेस है वो है क्या। हम रिजल्ट ट्रेंड को थोड़ा डिस्कस करेंगे, हम इसका सिलेबस ओवरव्यू लेंगे, हम रीजन ऑफ फेलियर और मोड ऑफ स्टडी डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपका एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन टेक अप करूंगा। तो ये हमारा कुछ प्लान है जिसके तहत हम लेके अगर नहीं ये सारी चीजें मैनेज कर रही होनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन मतलब हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। जो सब्जेक्ट का हमारा नाम है वो कैफ टू है, जिसका मतलब है कि हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। और जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप होगा वो ये है कि आपको इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन जो है जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। मींस आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इनकम टैक्स की तमाम जो बेसिक और एडवांस नॉलेज है वो होगी, और आपको जो सेल्स टैक्स की एडवांस और बेसिक नॉलेज है वो भी क्या होगी, हासिल होगी। सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दीज टू टैक्सेस, इनकम टैक्सेस एंड सेल्स टैक्सेस क्या होते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर सीखना है। ये कुछ आपको रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं पिछले ओल्ड स्कीम के मुताबिक। इसमें कैफ 1, 2, 3, कैफ 9 तक होता था। पुराने जमानों में ये कैफ 6 था जो अब हमारा कैफ 2 है। अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स पे गौर करें, ये टैक्स के स्टैटिस्टिक्स हैं एग्जाम फ्रेंड के, तो बड़ा ना हैजर्ड सा इसका रिजल्ट आता है। कहीं पे 34% होता है, कहीं पे 60, कहीं पे 35, 31, 39, 35। अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है ऑटम 21 का 46% रिजल्ट आया है, हाईएस्ट रिजल्ट टैक्स का आया है। स्प्रिंग में 39% था, और ऑन द एवरेज इसका रिजल्ट क्या रह रहा है हमारा, 39% तक रह रहा है। इसका मतलब अगर 100 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो 61 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑन एवरेज जो इस एक अटेम्प्ट में ये पेपर पास नहीं कर सकते। वो जो पेपर पास नहीं कर सकते ना, हमने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज चूंकि ये पोस्ट बैच है और आपस में काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टैक्स में अफेयर किया होगा और वो पेपर वो पास नहीं हो पाए होंगे, तो हमने इस चीज को भी डिस्कस करना है आगे जाके कि पेपर पास क्यों नहीं होता और क्या इसमें मसले मसाइल है, वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे।
तो ये कुछ रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स का ट्रेंड था कैप का जो इस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा था, क्योंकि ये अब कैफ टू है तो अब अगले अटेम्प्ट में फिर ये कैफ टू में हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट तक तो हमारी ओल्ड स्कीम थी, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स बनाए थे हमने ओल्ड स्कीम के मुताबिक बनाए थे। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ आगे जाके, तो टैक्स के सिलेबस को ना हमने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 इसके ग्रेड्स हैं और इसमें से सवाल इन वेटेज के मुताबिक आने ही आने हैं। जो ग्रिड नंबर ए है ना हमारा, इसमें गालिबन हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने क्या देखना है, जिसमें हमने बेसिक्स देखनी है कि टैक्स होता क्या है, हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है कि हमारा फाइनेंस एक्ट किस तरह मूव करता है, और तीसरा हमने एथिक्स के बारे में पढ़ना है। ये जो 3 चैप्टर हैं ये कुल मिला के हमारी वेटेज जो बनेगी वो 5 से 10 नंबर की, गालिबन इसमें से 5 से 10 नंबर का सवाल पेपर में आ रहा होता है। दूसरा जो इसमें सेकेंड लार्ज ग्रेड है वो है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स में हम देखते हैं कि जो हमारी लाइफ में सेल्स टैक्स इम्प्लाई किया जा रहा है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, सेल्स टैक्स होता क्या है, किस तरह से हम उसको चार्ज करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को पे किया जाता है, हमने वो सारा कुछ सीखना है। और इसकी जो हमारे एग्जाम में वेटेज है वो 20 से 30 नंबर तक का क्या आता है, हमारा सेल्स टैक्स से रिलेटेड एरिया आ रहा होता है। और जो सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा एरिया हमारे सिलेबस का इनकम टैक्स का, जो गालिबन 75% तक का होता है। इसमें हमने चीजें सीखनी है कि इनकम क्या होती है, हमने इसके बारे में बात करनी है, टैक्स क्या होता है, हमने इसके बारे में बात करनी है, उसके अलावा कि ये टैक्स की पेमेंट किस तरह की जाएगी हमने उसकी बात करनी है, ये टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट किस तरह किया जाएगा हमने, मतलब पूरा इनकम टैक्स का प्रोसीजर है हमने वो सीखना है कि हमारी इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, किस तरह इनकम अर्न की जाती है, कौन कौन किस सोर्सेज से हमारी इनकम आती है, टैक्स किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्स का मोड क्या होता है, टैक्स की पेमेंट क्या होती है, हमने सारा कुछ क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना होता है। तो इन शॉर्ट टैक्स का जो पूरा सिलेबस है वो इन 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है। जो ग्रिड ए है वो सबसे छोटा है, 3 चैप्टर्स हैं, 5 से 10 नंबर की वेटेज है, और ये प्योर थ्रेटिकल एरिया है जिसमें आप अक्सर रटे मार रहे होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा एरिया है वो सेल्स टैक्स का है, जहाँ पे हम देखते हैं सेल टैक्स वगैरह क्या होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा एरिया जो पेपर का क्या कहते हैं मेक और ब्रेक पॉइंट है, जो पेपर को पास या फेल करवाता है, वो हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड एरिया है, जिसमें हम देखते हैं कि इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, एंड ऑल तमाम रिलेटेड मैटर टू इनकम टैक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब ये जो सिलेबस है ये एग्जाम में कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाता है, कि जो हमारा पेपर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। पेपर में हमें 7 से 8 सवाल आते हैं, टेक्स्ट के पेपर में हमें हमेशा 7 से 8 सवाल आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होगा जो पार्ट ए और बी में होगा, ये गालिबन आपका आता है ग्रेड ए से। जो हमने बात की थी 3 चैप्टर वाला, उस ग्रिड में से ये एक सवाल आ रहा होता है, और इसकी जो वेटेज होती है वो गालिबन अप टू 5 to 8 मार्क्स तक का नॉर्मली उसने ऑन एवरेज सवाल पूछा है। इसके अलावा 2 सवाल आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये 2 सवाल लिख रहा हूँ, 2 सवाल आएंगे हमारे सेल्स टैक्स में से, इसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, मतलब जिसमें हमने कैलकुलेशन करके बतानी होती है कि किस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और ये अप टू 18 मार्क्स का हमारे पेपर में आता है, और एक क्वेश्चन आएगा जो इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी होगा, जो थ्योरेटिकल होगा, और नॉर्मली ये पार्ट्स में आता है, ए बी सी और डी पार्ट्स में होगा, और ये प्योर थ्योरी की बेस होता है, और ये गालिबन 12 नंबर का हमारे सिलेबस में इसमें से सवाल आ रहा होता है। तो ऑन एवरेज जो जो सेल्स टैक्स में से हमारा एरिया पूछा जाता है वो अप टू 30 मार्क्स तक एग्जामिनर क्या होता है पूछ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो 5 सवाल होते हैं वो आएंगे इनकम टैक्स में से। इनकम टैक्स में से हमारे 5 सवाल आएंगे, जिसमें से एक सवाल जो होगा वो हमारा न्यूमेरिकल होगा,
और ये गालिबन अप टू 18 मार्क्स तक कन्यूमेरिकल होगा। उसके अलावा दो सवाल आएंगे हमारे शॉर्ट कैलकुलेशन और दो सवाल होंगे हमारे इसमें से थ्रेटिकल। तो ये जो सारा एरिया होगा इनकम टैक्स का, ये टोटल अप टू 65 मार्क्स तक का हमसे पेपर में टेस्ट कर रहा होता है। तो आप कोई भी पास पेपर पकड़ लेंगे, आपको उसमें से 7 से 8 सवाल नजर आ रहे होंगे, और उन सवालों की जो वेटेज है वो कुछ इस तरह से होती है कि इतने सवाल इस इसमें से आ रहे होते हैं। ऑन अदर हैंड जो हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर है ना टेक्स का, टेक्स इज वन ऑफ द यूनिक पेपर इन ऑल सीयू। अगर आप सीयू में कोई भी एग्जाम पकड़ेंगे आप देखेंगे ना, या तो कोई एग्जाम है, कोई पेपर है, वो प्योर थ्रेटिकल है या वो प्योर न्यूमेरिकल है। या तो आप सिर्फ थ्योरी ही याद कर रहे होते हैं या सिर्फ आप कैलकुलेशन ही कर रहे होते हैं। जो टेक्स्ट का पेपर है ना, ये दोनों होराइजन्स को कवर कर रहा होता है। इसमें न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व है और इसमें थ्योरी भी इन्वॉल्व है। अगर आप देखें, एक न्यूमेरिकल ये आएगा 18 नंबर का, एक न्यूमेरिकल ये आएगा 36 नंबर का, और गालिबन अप टू 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल ये आ रहे थे शॉर्ट कैलकुलेशन। तो एक टेक्स्ट का पेपर अप टू 55 to 60 मार्क्स एक अटेम्प्ट में, उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे, उसमें नंबर इन्वॉल्व होगा, उसमें न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होते हैं। और जो 40 से 45 मार्क्स हैं वो हमारे क्या होंगे, थ्योरेटिकल आएंगे, थ्योरी से रिलेटेड होंगे। और थ्योरी भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरी हमारे पास होगी नॉलेज बेस्ड। तो ये कुछ हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर बनता है। आप कोई भी पेपर पकड़ लें, टेक्स्ट के पेपर में आपको जो डिवीजन मिलेगी न्यूमेरिक में और थियोरेटिक में वो यही होगी, और इसी तरह से हमारा एग्जाम एक प्रिपेयर होता है। तो टेक्स्ट का पेपर तैयार कर रहे हैं, सिलेबस भी हमें पता होना चाहिए, और जो उसके जो पेपर का स्ट्रक्चर है कि एग्जाम किस तरह से हमारा डिजाइन होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, कुछ एग्जामिनर कमेंट्स की बात करते हैं कि ये हमारी पासिंग रेशियो थी इस अटेम्प्ट में, ये हमारी पासिंग रेशियो थी इस अटेम्प्ट में। अब इसकी जरा हम बात करते हैं, फिर हम इसको आगे मूव करेंगे कि इसमें इतनी बुरी पासिंग रेशियो है क्यों, रीजंस क्या है इतनी बुरी पासिंग रेशियो के, और जो इसके रीजंस हैं जो उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई की है कि टैक्स का ऑन एवरेज जो रिजल्ट है ना हमारा, वो 39% आ रहा है। ये तो हमने पूरा एक स्टेटिस्टिक्स में देखा था कि 39% क्या है हमारा ऑन एवरेज टैक्स का रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब 61 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे, फेल हो रहे हैं जब भी पेपर दे के आते हैं। तो वो जो फेलियर की रीजंस है ना, वो हमें कौन बता सकता है, एक ही बंदा, वो जो एग्जामिनर है, जिसने फेल किया है वही बताएगा। मैं नहीं बता सकता, आपका कोई दोस्त नहीं बता सकता, आपको कोई फिजूल बुक के मतलब फेसबुक के कोई ग्रुप्स नहीं बता सकते कि आप फेल क्यों हुए हैं। द पर्सन जो आपको इन्फॉर्म करेगा इन तमाम चीजों से, वो एग्जामिनर है जिसने आपको फेल किया है। तो कुछ एग्जामिनर ने इसके बारे में जो हमें डिवीजन बताई है वो ये है, अगर आप गौर करें ऑटम 20 के पेपर में 35% रिजल्ट था और 8 सवाल आए थे। जो हमने यहाँ पे एग्जाम स्ट्रक्चर रखा था कि 7 से 8 सवाल आते हैं, बोर कीजिएगा हर अटेम्प्ट में सवाल जो है वो हमारे इतने ही आ रहे होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 8 में से 4 सवाल जो है वो तो हमारे वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। लाइक एक सवाल में सिर्फ 16% बच्चे पास हुए हैं, एक सवाल में 17%, एक में 18 और एक में 26% बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वाइज भी बच्चों की क्या है, उसने हमें परफॉर्मेंस गिवन की है। फर्दर कहता है द ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन डिक्लाइंड फ्रॉम 39% टू 35%, यहाँ पर डिक्रीज आया है। अब उसकी रीजन क्या है, द अंडर परफॉर्मेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, के वो लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। टैक्स जो है वो लॉ है, आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, और अगर आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप नहीं कर पाते। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप रॉट लर्निंग करते हैं, रट्टे मारते हैं, वो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर पाते। जब आपके साथ ये काम होता है तो आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एग्जामिनर खुद कह रहा है कि लॉ की अंडरस्टैंडिंग आप नहीं करते, आप रट्टे मारते हैं, आप कंसेप्ट को सवालों में अप्लाई नहीं कर पाते, एंड दैट थिंग लेड्स टू योर फेलियर। ओके, एग्जामिनर की बात मान ली। ऑटम 20 में शायद किसी अटेम्प्ट में एग्जामिनर का इससे विचार मुख्तलिफ हुए हो। स्प्रिंग 20 में चले आते हैं। स्प्रिंग 20 में भी रिजल्ट 39% है, और क्वेश्चन में देखें टोटल 8 सवाल ही आए हैं, और कुछ परफॉर्मेंस देखें, एक ये सवाल, दो, तीन, और ये भी हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये फिर अंडर परफॉर्म क्वेश्चन है। गालिबन ये देखें सिर्फ 18% लोग इसमें से पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाए। अगर हम इसके कमेंट्स की बात करें, कहते हैं कि रिजल्ट इंप्रूव हुआ 31.9% के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 आर वेल अटेम्प्टेड, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 7 प्रूव टू बी मोर चैलेंजिंग। और वो चैलेंजिंग की जो वजह है वो क्या थी? सिलेक्टिव स्टडी, लिटिल अटेंशन टुवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और पुअर प्रेजेंटेशन, और फेलियर टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जामिनर खुद कह रहे हैं भाई साहब ये आपके मसले में साइन है, आप इनको अगर ओवरकम करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप इनको पास कर सकते हैं। अब ये देखिए जो बच्चा फेल हुआ है इस अटेम्प्ट में, उसको उसके फेल होने की रीजन बता दी गई है कि सर ये आपकी रीजंस थी। अनफॉर्चुनेटली बच्चा, आप लोग कभी भी जाके रीजंस नहीं पढ़ते, कभी भी नहीं पढ़ते, आप नहीं देखते कि एग्जामिनर आपको क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। अगर खुदा ना खास्ता आप फेल होते हैं तो आप ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं, बट जो बंदा आपको फेल कर रहा है और आपको रीजन बता रहा है, आपको कभी भी नहीं पढ़ रहे होते। दैट्स आयरनी। इस चीज को हमने ओवरकम करना है। आगे मूव करते हैं। ऑटम 19 की अटेम्प्ट में 31% रिजल्ट। अब जरा आप परफॉर्मेंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 4% बच्चे पास कर पाए हैं, और फॉर श्योर ये रियल रिजल्ट है, ये मैंने खुद से नहीं लिखी, आई कैट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 6 में देखें, 3 में देखें, मतलब वही सवाल तो हर एग्जाम में 8 आ रहे हैं, और ऑन एवरेज 4 सवालों के जवाब जो है वो बुरे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके जनरल कमेंट्स, कहता रही डिफिकल्टी मॉडरेट थी, एग्जामिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो परसेंटेज पासिंग है वो डिक्रीज हो गई है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी चैलेंजिंग था, बिकॉज सिर्फ 4% लोग पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए। अब रीजंस, सिलेक्टिव स्टडी, सवाल नहीं समझ पाते, इररिलेवेंट वर्किंग और पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये भी एग्जामिनर ने बताया। इसका मतलब एक चीज तो कॉमन है कि सिलेक्टिव स्टडी और इस तरह की चीजें जो हैं वो थ्रू आउट चल रही हैं बच्चों के साथ, जो हमें मेरे ख्याल से ओवरकम करनी चाहिए। एक हमें प्रॉब्लम पता चल गया जो थ्रू आउट कॉमन है, हमने ट्राई करनी है कि इस सेशन में हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना हो। स्प्रिंग 19 3500 रिजल्ट। अब आप इसमें भी देखें, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 8 में से 5 सवालों में अंडर परफॉर्म्ड है। अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो वो यही है कि वो नहीं परफॉर्म कर पाते, रोड लर्निंग करते हैं, उनको क्रक्स नहीं पता, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ पाते, उनकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नॉलेज नहीं अप्लाई होती, टाइम जाया करते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, तो ये वो तमाम रीजंस हैं जो उसने यहाँ पे जनरल कमेंट्स में लिखी हुई हैं। अभी मैंने 4 अटेम्प्ट किए हैं, 5 अटेम्प्ट के आपके साथ एग्जामिनर के स्टैटिस्टिक्स शेयर की हैं। अब जो जो बच्चे इन अटेम्प्ट में फेल हुए हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उन्होंने कभी जिंदगी में भी ये एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे। भाई जिसने फेल किया वो हमारी रीजंस ऑफ फेलियर बता रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम उससे पूछें जिसने फेल किया है, रादर देन वी आर इंटरेस्टेड कि हम दुनिया से पूछें। हम दुनिया से पूछते हैं, आईकैट को ब्लेम करते हैं, एग्जामिनर को ब्लेम करते हैं, अपने इदारों को, अपने टीचर्स को, या जहां जहां पढ़ा था उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, ऑल्दो जिसने फेल किया है उससे नहीं पूछ रहे, उसके रीजंस कुछ और है, बट हमें रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी, बिकॉज हमें रियलिटी कड़वी लग रही होती है। जितनी मैंने बातें की हैं अगर मैं इनको समराइज करूं तो कुछ ऐसे थी। सिलेक्टिव स्टडी, देखिए सिलेक्टिव स्टडी को ना आप रीजन ऑफ फेलियर ना कहा करें, इसको आप गुनाह ट्रीट किया, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। मुझे आप खुद बताएं
दो बच्चे एग्जाम हॉल में गए हैं, एक बच्चा ए है एक बच्चा बी है। बच्चा ए जो है उसकी 100% तैयारी है, हर चीज कवर की है। इसने 70% तैयारी की है, इसने सिलेक्टिव टॉपिक कवर किए हैं। इसके पास पेपर आएगा तो चांसेस हैं कि ये 100% पेपर करके आए, 95 का पेपर करके आए। अगर 100 मार्क्स का पेपर भी करके आता है और अगर उसमें से 50% मार्क्स भी सिक्योर करता है तो सर ये बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जिसने सिलेक्टिव स्टडी की हुई है तो सर वो तो मैदान में घुसने से पहले ही हार मान चुका हुआ है। उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा पेपर पकड़ने तक कि यार ये टॉपिक मैंने नहीं किया, अल्लाह ना करे ये आ जाए। उसके माइंड में कंटिन्यूज ये दुआ चल रही होगी कि यार अल्लाह ये टॉपिक ना आ जाए, टॉपिक ना आ जाए। तो भाई वो गेम तो वहां भी हारा होता है। और खुदा ना खास्ता अगर उसने टॉपिक छोड़ा है वो एग्जाम में आ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल अगर उसका 70% पे था वो धर्म से क्या हो जाएगा 30% पे आ जाएगा। बिकॉज अब उसने क्या करना है, उसने देखना है कि यार ये तो मैंने किया नहीं था पेपर में आ गया। अब उस चीज को सोचता रहेगा, टाइम जाया करेगा, मेंटल प्रेशर डेवलप करेगा और क्या होगा, अल्टीमेटली उसका पेपर अंडर परफॉर्म होगा। वो बड़ी मुश्किल से 60 से 65 नंबर का पेपर करके आएगा और अगर उसने 60 से 65 नंबर का पेपर किया तो 50% अगर मार्क्स स्कोर करेगा तो वही 32-35 में फेल हो रहा होगा। तो जो सिलेक्टिव स्टडी है ना, ये सिलेक्टिव स्टडी आपको उसी अटेम्प्ट में बड़े प्यार से क्या करती है, टुवर्ड्स फेलियर लेके चली जाती है। इस चीज को आप मान लें, आज नहीं मानोगे कल मानोगे, कल नहीं मानोगे परसों मानोगे, बट ये मानोगे आपकी सिलेक्टिव स्टडी जो होती है ये आपको फेल करवाती ही करवाती है। एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका तैयारी का लेवल वो बहुत ऊपर होगा, वो रिलैक्स होगा, मेंटली डिप्रेस नहीं होगा, तैयार होगा। लेकिन जिसने टॉपिक छोड़े हुए हैं वो मेंटली चैलेंज्ड होगा, उसकी तो आधे टेंशन ही हुई कि यार सवाल ना आ जाए। तो सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो इनशाला आप फिर सफर भी करोगे। तो हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कभी भी हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। गॉट इट? उसके बाद पूरा प्रेजेंटेशन, हमें पेपर प्रेजेंट नहीं करना आता, हमें लिखना नहीं आता, हमें न्यूमेरिकल्स में मसला आता है, हमें देखना पड़ता है कि यार ये पेपर किस तरह प्रेजेंट करेंगे, फॉर्मेट्स हमें नहीं आते, हमारी अंग्रेजी की जो होती है फॉर्मेटिंग वो गंदी होती है जिसकी वजह से पेपर पढ़ना मुश्किल होता है, ये रीजन है। उसके बाद वही जो एग्जामिनर ने बताया कि आपको लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप लोगों ने रटे मारे होते हैं जिनकी बाइस आप लोग समझ नहीं पाते कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, टेक्निकल उसके मीनिंग क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको सफर करना पड़ता है। आप सवाल की रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करते, सवाल में वो कुछ पूछ रहा होता है आप बता कुछ रहे होते हैं, आपको लगता है सही बता रहे हो बट द केस क्या होता है कि उसने आपसे कोई चीज पूछी ही नहीं होती। जब उसने वो आपसे चीज पूछी ही नहीं होती तो आप कैसे वो सही बता सकते? उसने तो आपको मार्क्स देने हैं उस चीज के जो उसने पूछी है, ना कि उस चीज के जो आपको आती है। तो रिक्वायरमेंट्स आप फॉलो नहीं करोगे रिजल्ट बुरा आएगा। और पूरा टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत बुरी होती है, आप 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं कर पाते। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमें पेपर में फेल करवाते हैं और हमें इनको ओवरकम करना है। हम ओवरकम कैसे करेंगे? सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, 100% हर चीजें कवर करेंगे, हम सेगमेंटेड स्टडी करेंगे। जो एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम टाइम ज्यादा लगाएंगे, जो एरिया कम इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम कम टाइम लगाएंगे, बट सिलेबस हम 100% कवर करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, आपके टेस्ट होंगे वो बेहतर होगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग करूँ, आपको रटा ना लगवाऊँ। जब आप प्रैक्टिस करवाऊंगा असाइनमेंट्स के जरिए, टेस्ट के जरिए, तो आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। और टाइम मैनेजमेंट ठीक करने के लिए मैं आपको इस दुनिया का सबसे आसान तरीका बताऊं, आपको एग्जाम सिमुलेशन फील करनी पड़ेगी। क्या मतलब है? आपको एग्जाम से पहले एग्जाम देना पड़ेगा। कैसे देंगे? आपने आखिरी महीने में, आपने आखिरी महीने में या करना है फेब के महीने में, 3 डेज सेलेक्ट कर लेने हैं, 3 हफ्तों में 3 दिन सेलेक्ट कर लेने हैं, उन 3 दिन कोई सा पास पेपर पकड़ के बैठ देने हैं। जितनी आईकैप शीट्स दी जाती हैं वो पकड़े, वो कोई पास पेपर पकड़े किसी भी अटेम्प्ट का, 3 घंटे का टाइमर लगाए और प्रॉपर फील करें।
अब जब आप पहली बारी पास पेपर करेंगे 3 घंटे में आपका गालिबन 70 मार्क्स का होगा, जब आप सेकंड करेंगे वो 85 का होगा, जब आप थर्ड करेंगे तो वो 95 तक होगा। ऑल्दो ये सारे सवाल आपने क्लासेस में सॉल्व किए होंगे, बट स्टिल वो 3 घंटे के प्रेशर में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये परफॉर्मेंस रहेगी। जब आप ये 1 महीने में 3 पेपर देके बैठेंगे तो अल्टीमेटली जब आईकैट में जा रहे होंगे तो वो आपका चौथा पेपर होगा। टेक्निकली आप चौथी दफा वो पेपर करने जा रहे होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका हाथ चल रहा होगा, आपका माइंड टू मसल कनेक्शन होगा, ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा होगा, तो आई कैट एग्जाम में बैठ के आपका पेपर पूरा हो जाएगा। लिखवा लो, चैलेंज कर लो, पेपर आप आई कैट के हॉल में बैठ के अनसीन पेपर 90 मार्क्स से ऊपर का करके आ जाओगे। द लास्ट है कि आप पास पेपर भी रिलाई करते हैं सिर्फ, क्योंकि हम इस पे नहीं करेंगे, हम असाइनमेंट और अदर एरिया डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर थी जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। उसके बाद हमारा मोड ऑफ स्टडी क्या होगा, हमारी डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग, सिर्फ मैं 2 चैप्टर्स की अपलोड करूंगा, वो मैं लाइव नहीं करवाऊंगा। सिर्फ 2 चैप्टर्स होंगे जो वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, वो बड़े छोटे ही चैप्टर है जो ग्रेड ए से बिलोंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा सीए नोट्स का हमारे साथ टेस्ट सिस्टम चलेगा, जो हमारा छोटा सेशन कैरी कर रहा होगा। क्लास में आपको डेली की जो क्लास लेक्चर्स होंगे वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी या पीडीएफ मिल रहे होंगे। और ये कुछ हमारा लेक्चर का प्लान है। आप लोग पूछ रहे थे कि हमारा टेक्स्ट का सिलेबस कब होगा, तो गालिबन 5 फरवरी को मेरा टेक्स्ट का सिलेबस एंड करना है। इसमें हम 5 डेज की एडिशन कर लेते हैं। मेरे पास जो सिलेबस एंड करने की डेट है, डेडलाइन है, वो 10 फरवरी है। हमारा शुरू कल से होगा। ये हमने 10 फेजेस में सिलेबस को डिवाइड किया है। इस दौरान हमने ये चैप्टर करना है, और तमाम जो डेज में चैप्टर करने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा टेंटेटिव लेक्चर प्लान है, मैंने इसके तहत लेके चलना है, और गालिबन 10 फरवरी तक मैंने आपको सिलेबस वाइंड अप करवाना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और जो जो बच्चे एनरोल हैं ग्रुप में उसको शेयर भी कर दें। ये हम दोनों के लिए एक टेस्टिंग है, मैंने इसको फॉलो करके आपको टाइम पे सिलेबस कवर करवाना है, और आपने इसके तहत मुझे फॉलो करवाना है कि सर डेज खत्म होने वाले, तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम इस प्लान के मुताबिक चलेंगे, इन इन डेज में ये एरिया करेंगे ताकि हमारा सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए और 100% तैयारी होगी। कोई भी हम ये काम नहीं करेंगे कि हम सिलेक्टिव स्टडी की तरफ मूव करें। साथ जो हमारा टेस्ट सेशन होगा वो ये है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, पोस्ट वालों का टेस्ट सेशन सेपरेट है। ये तारीख है, इस तारीख पे इन इन टॉपिक्स का टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट सेशन जो है वो इस लाइव सेशन इस इनके साथ इंटीग्रेटेड है, तो इनके मुताबिक हमारे टेस्ट होंगे, वो सीए नोट्स के पोर्टल पे होंगे। कैसे होंगे उसके बारे में हम आपके साथ 1-2 दिनों में कम्युनिकेशन वगैरह कर देंगे। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको भी सेव कर सकते हैं। आफ्टर क्लास में ये टेस्ट सेशन की जो इमेज है वो शेयर कर दूंगा। इन इन दिन हम टेस्ट लेंगे, जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे ये 35 नंबर तक के होंगे। मिड टर्म हमारा 100 नंबर का होगा, और मॉक हमारा 100 नंबर का होगा। मॉक की बस डेट मैंने अनाउंस अभी नहीं की, क्यों, बिकॉज मैंने 10 फरवरी को सिलेबस खत्म करने के बाद आपको 10 दिन की रिवीजन करवानी है। 10 दिन की जब मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा क्रैश कोर्स की 3 घंटे ईच, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर आपसे मॉक लूंगा। इट मीन्स कि मैं आपका सिलेबस भी कवर करवाऊंगा 100% एक बारी, मैं आपके उस सिलेबस की 100% टेस्टिंग भी करूंगा, देन मैं आपको उस सिलेबस को 100% रिवाइज भी कराऊंगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। फिर मैं क्या करूंगा, आपका जाके एक मॉक ले रहा होगा, और मैं आपके साथ एग्जाम डे तक अवेलेबल रहूंगा। अगर जिस दिन भी इशू हुआ मैं उस दिन क्लास कर लूंगा, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं छोड़ना। इनके अलावा टेस्ट के अलावा आपका असाइनमेंट्स भी होंगी जो मेरी बड़ी मशहूर है और जो मैं लेके रहूंगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बड़ा पैशनेट हूँ और थोड़ा सा मैं सख्त भी हूँ। मैं इन्फोर्स करता हूँ, और मैं थोड़ी बिस्ती बहुत ज्यादा करता हूँ। काफी होते हैं बिस्ती का माइंड कर देते हैं बच्चे, बुरा मान देते हैं, बट मैं आपको इसका बता दूं, इस बिस्ती का फायदा ये होता है कि मेरे बच्चे पास होते हैं गालिबन। अभी मैंने सीएमए डीजी का लास्ट का जो रिजल्ट है वो 70% प्लस, मतलब मेरा जो टेक्स का रिजल्ट है वो 70% से ज्यादा था, बच्चे पास हुए हैं। गालिबन ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मेरे से 4 सब्जेक्ट पास किए हैं, मतलब FR1 टेक्स पास किया है। एक बच्चा है जिसने 4 पेपर पास किए हैं, 3 बच्चे, 3 नहीं 4 5 बच्चे ऐसे जो 3 पेपर पास हुए हैं, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स का टेक्स मैंने पहले अटेम्प्ट में पास करवाया है। अब वो मुझे कहते हैं कि सर आप उस वक्त ठीक थे कि जब आप असाइनमेंट हमसे करवाते थे, हमें जलील करते थे, टेस्ट करवाते थे, हमने किए हम पास हो गए हैं। तो
ये मैं 2-3 महीने सख्ती बहुत करूंगा, लेकिन जब मार्च में आप पेपर दे के निकलोगे और अगली मई में आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन आप खुश होंगे। तो ये 3-4 महीने की अगर जो सख्ती बर्दाश्त कर गया और जो मेरे साथ चल गया, इंशाल्लाह जब उसका मई के महीने में आई कैब से मैसेज आएगा रिजल्ट का, इंशाल्लाह टेक्स्ट के आगे लिखा होगा परमानेंट एडिट के उस बंदे, टेक्स्ट पास है। तो एफर्ट्स मैं फुल करता हूँ, लेकिन अगर बच्चा इन्वॉल्व ना हो तो मैं उसको निकाल के बाहर फेंक दूँ। मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ, आप लाइव क्लासेस में नहीं आएंगे, मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट होऊंगा, मैं आपके LMS की एक्सेस कैंसिल कर दूंगा, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, बट मैं स्ट्रिक्टनेस शो करता हूँ। इसका अल्टीमेटली क्या होता है, फायदा कि पास हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप पास होते हैं और जब वो आपके थैंक यू के बड़े बड़े नोट्स और दुआएं आती है ना, उस दिन आप लोगों को होता है रियलाइज कि वो स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बल्कि क्या था, आपकी भलाई के लिए सारा कुछ किया जा रहा था। तो ये चीज मैं करूंगा। अगर आप मेरे पास आए हैं, आप लोगों को पास करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसको फुलफिल करके रखूंगा। पैशनेट भी हूँ, रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, और इंशाल्लाह मैं आखिरी दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट के सेशन मेरा प्लान क्या था, क्या कुछ लेकर चलना है और मैंने क्या कुछ लेकर नहीं चलना। तो ये सारी डिस्कशन थी, मैंने प्लान शेयर कर दिया, मैंने टेस्ट का शेड्यूल शेयर कर दिया, कल से हमारी Day 1 की क्लास है, कल से हम इसको लेकर चलेंगे। तो बुक आप iCAT की भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी मार्केटिंग किताब यूज कर सकते हैं, बट हमारे जो डेली के लेक्चर नोट्स होंगे अगर आप वही यूज करेंगे तो वो भी इनफ होंगे। मतलब डेली की जो स्लाइड्स हैं, PPTs हैं, वो यूज कर लीजिएगा, उसके साथ साथ iCAT का स्टडी टेक्स्ट आप यूज कर लें, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। टेस्ट में, असाइनमेंट्स में, लेक्चर्स में, रेगुलरिटी में और कंसिस्टेंसी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वैसे जितना मर्जी हंसी मजाक करें मैं करूंगा, बट दो चंद चीजों पर मैं नहीं कर रहा हूँगा। किताब, यार किताब, आई वॉज वर्किंग ऑन दैट थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अक्टूबर के एंड पे बीमार पड़ गया था, तो बहुत बुरे टाइम पे बीमार पड़ा था। आई गॉट डेंगी, कुछ सीरियस मामला हो गए, जिससे मैं गालिबन ना 15 दिन के लिए, हाँ ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए मैं सीन से आउट हो गया था। वो 15 डेज मैंने कोई काम नहीं किया, प्रॉपर रेस्ट किया, अभी भी वीकनेस मुझे बहुत ज्यादा है, लाइक मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, लेकिन थोड़ा सा अब मैं वापस आना आया हूँ, मैनेज करना शुरू कर रहा हूँ, वापस काम करना शुरू किया है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इस सेशन के एंड तक बुक कंप्लीट करूँ। नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं इस सेशन में बुक कंप्लीट करके पब्लिश करके लॉन्च कर दूँ। और बुक भी एक वो उतने रेगुलर बुक नहीं होगी, डेट वुड बी अ यूनिक, ये वो यूनिक बुक होगी जो एक प्रॉपर पैकेज है, लाइक इंटरेक्टिव बुक दूंगा मैं आपको, जो मेरे माइंड में है, आज चीजें चल रही हैं, अगर मैं फुलफिल कर गया, डेट वुड बी गोइंग वेरी इंटरेक्टिव बुक, जिसमें QR कोड्स होंगे, YouTube के लिंक्स आप स्कैन करके, कंसेप्ट की वीडियोस एंड पिक्चर्स एंड पिक्टोग्राम्स, ग्राफ, सारा कुछ मैं डालने वाला हूँ। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट दिन में 24 घंटे होते हैं और मैं गालिबन 15 to 17 आवर्स काम कर रहा होता हूँ। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर दिन में 48 घंटे हो जाए ना एक दिन में, तो मेरी बुक इसी टाइम में पब्लिश हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है, बट इंशाल्लाह हम करेंगे। जहां आपके पास होमवर्क का कोई इशू वगैरह होगा, असाइनमेंट का इशू वगैरह होगा, उसकी डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी क्वेरी भेजा करेंगे, बाकी बच्चे भी हेल्प कर दिया करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आपकी हेल्प ना की, मैं जैसे टाइम मिलेगा, गालिबन अब आजकल मैं रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक फ्री होता हूँ, तो उस दौरान तमाम मैं क्वेरीज वॉइस नोट की फॉर्म में आंसर कर रहा होता हूँ और मैं कर दिया करूंगा। और अगर तब भी ना हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे हम क्लास में उसको सॉल्व कर लिया करेंगे, क्लास में उसको सॉर्ट आउट कर लिया करेंगे। जी, और कोई सवाल? तो वो जो कुछ बच्चे परेशान और घबराए हुए थे कि टेक्स्ट पोस्ट बैच में हो जाएगा, ये क्या बड़ा फास्ट ट्रैक होगा, सिलेबस पूरा होगा, आपको जवाब मिल गया कि भाई सिलेबस भी पूरा होगा, एवरीथिंग गोना बी डिस्कस इन डिटेल, प्रॉपर टेस्ट शेड्यूल, प्रॉपर लेक्चर्स का प्लान, हर चीज आपके पास अवेलेबल होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं यार, क्लास 1 घंटे की नहीं हुआ करेगी, क्लास 4:30 से 5:55 तक हुआ करेगी, गालिबन 1 घंटा 25 मिनट की क्लास हुआ करेगी डेली बेसिस के ऊपर। घबरा गए शान साहब 1.25 घंटे का नाम सुन के? अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। घबराना नहीं है, देखिए शान साहब हमारे PM है ना,
तो पीएम की बात माननी है, सबसे पहले आपने घबराना, जो घबराएगा वो फिर घबराता रहेगा, तो हम घबराने वाले लोग नहीं है। तो ये 4:30 पे स्टार्ट हुआ करेगी, मैं 5:55 पे वाइंड अप किया करूंगा, बिकॉज इससे वेरी नेक्स्ट मेरी एफ पे 6 बजे क्लास हुआ करेगी, वरना मैं इसको 6 बजे ही वाइंड अप करता। और कोई सवाल? नहीं, शायद मैं इतना काम ना कर सकता, थक जाता। जब मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बनता है ना, जब आपका पैशन जो हो वो आपका प्रोफेशन बनता है, तो आप थकते ही नहीं है कभी भी। सो थकता मैं भी नहीं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहें, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं आप लोगों को जो जो चीजें कमिट करूँ वो पूरी करके, और आप लोगों को मैं इस मार्च में पास करवा दूँ। जब आप लोग पास हो जाएंगे उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा कि आपकी दुआएं कबूल होगी और मेरी एफर्ट्स भी कबूल होगी। बस आप लोगों ने थ्रू आउट द सेशन मेरे लिए ये दुआ करनी है, दैट्स। मुझे सिर्फ आप लोगों से दो चीजें चाहिए, तीन चीजें, कि जो मैं कहूँ वो करना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना। कभी भी जिंदगी में आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेट मी नो, मोटिवेट कर दूंगा आपको। और तीसरा मेरे लिए बस आपने दुआ करनी है, ये तीन काम आप लोगों ने करने हैं, और पढ़ना भी है, पढ़ना भी है नहीं करनी कि दुआएं करते रहो मोटिवेटेड रहो, पढ़ना नहीं है तो पास हो जाओगे, ऐसे नहीं, पढ़ना भी है साथ साथ। गॉट इट? और कोई सवाल? अगर नहीं है तो वाइंड अप कर दिया रहे, अगर है तो मैं वेट कर लेता हूँ। कोई सवाल किसी सब्जेक्ट के मुताबिक, एनी क्वेश्चन? चलें, ये आपने स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, जो बच्चे ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं अवेलेबल हैं वो ग्रुप में ये चीजें शेयर कर दें कि ये हमारा लेक्चर प्लान है और ये हमारा टेस्ट स्केड्यूल है, और मैं इसको पिन कर दूंगा। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने इस लेक्चर प्लान को फॉलो करवाना है। आप लोगों ने वो होता है ना, वो खतरे घटते बताने, सर 22 नंबर होगी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, सर 3 दिसंबर हो गए चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोगों ने मुझसे ये फॉलो करवाना है और मैंने इसके मुताबिक लेके चलना है। तो हमने 10 फरवरी को हर एक एक्टिविटी के साथ क्या करना है, इसको वाइंड अप करना है, एंड इंशाल्लाह हम इसको लेके करेंगे और हम फुलफिल कर भी देंगे। आपके पास पिछली अटेम्प्ट की बुक है, आप वो यूज कर सकते हैं। जो सिलेबस में चेंज एरिया होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आप उसका प्रिंट आउट लेके बुक में लगा के पढ़ लीजिएगा। कॉल बहुत जहर लगती है, मैं फोन कॉल नहीं पिक करता किसी की भी, आई हेट इट। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, कोशिश किया करें वॉइस नोट मैसेज ड्रॉप किया करें, बिकॉज मैं हैंडफ्री लगाए होते हैं, मैं वॉइस नोट प्ले करके अपने साथ काम करता रहता हूँ और मैं साथ रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ। लेकिन अगर आप टेक्स्ट में भेजते हैं तो मुझे पढ़ना पड़ता है, वो मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ग्रुप में बच्चे हैं आप ग्रुप में आ जाएं, ये स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर कर दें, फिर हम वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। कल हमारा Day 1 है और कल हमने फिर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्सेशन स्टार्ट करनी है, जो हमने गालिबन कब तक खत्म करना है, 27 तारीख को हमने खत्म करना है। जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद हमारा फिर 27 तारीख को उसका टेस्ट होगा और इनकी असाइनमेंट सब कुछ बीच में क्या होगी हम डिस्कस वगैरह कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ग्रुप में ओपन कर दिया, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, एंड गेट रेडी, मेहनत के लिए रेडी हो जाए, पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। अगले 2-3 महीने आई एम गोइंग टू बी लीथल फॉर यू, लीथल होऊंगा, थोड़ा सा मैं सख्त होऊंगा, बट जब मार्च में पेपर पास हो जाएगा उस वक्त जो आप दुआएं मुझे देंगे, मुझे उन दुआओं का इंतजार रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल रेगुलर क्लास में, अल्लाह हाफिज।